हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30x60 फीट का जो हमारा प्लान है, हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। एक और प्लान हम मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ, तो ये आप देख पा रहे हैं 30x60 फीट का। यहाँ से 60 फीट है, यहाँ से 30 फीट है। और अगर मैं इसका 3D दिखाऊँ आपको, तो ये इसका 3D है, किस तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर और जो मेन गेट है हमारा यहाँ पे गिवन है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो जो ये प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, ये है आपकी फर्स्ट फ्लोर वाली प्रोजेक्शन, जो टेरिस की प्रोजेक्शन है। यहाँ पे ऐसे अगर आप इसका 3D देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके के आपका पोर्च का डिजाइन इस तरीके से आपका गिवन है। क्लियर। अब यहां से हमारी पोर्च है जो आपकी, यहाँ पे देख पाएंगे 9 फीट बाई 20 फीट 25 फीट की है। काफी अच्छा स्पेस है, गाड़ी आप अपनी खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे वाइड फ्रंट लॉन छोड़ा हुआ है, जो 9 फीट का यहाँ पे वाइड है। यहाँ पे एंट्री पे ही हमारा है ड्राइंग रूम। अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं, हम डायरेक्टली ड्राइंग रूम में उसको एंटर करवा सकते हैं। यहाँ से ड्राइंग रूम का गेट गिवन है और एक गेट ड्राइंग रूम का यहाँ से गिवन है। यहाँ पे जो विंडो लगाई गई है W1 W1 के, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइजेस। जो W1 का साइज है वो 5 फीट बाई 5 फीट का साइज है। आप ये साइजेस भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ड्राइंग रूम जो हमारा है वो 19 फीट बाई 12 फीट का है, जिसमें पूजा रूम हमने ड्राइंग रूम में गिवन यहाँ पे दिया है। एक विंडो हमने यहाँ पे लगाई है और दो सोफे वगैरह प्रोविजन करके यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं, ताकि गेस्ट रूम आप यहाँ पे इसको ही बना पाए। यहाँ पे आप बेड वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि गेस्ट वगैरह अगर सोना है तो आप वो यहीं पे सो सकता है। तो एक एंट्री हमारे घर के लॉबी में जो एंट्री है, एक एंट्री यहाँ से है। गाड़ी अगर आप यहाँ पे पार्क करते हो तो एक एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, और एक एंट्री हमने यहाँ से ओपन एंट्री दी है, जो डायरेक्टली आपकी लॉबी के अंदर एंट्री होती है। जो आपकी लॉबी है वो 9 फीट बाई 6 फीट की है, 9 फीट 6 इंचेस बाई 16 फीट की है। जो हमने स्टेयर लगाई है, वो हमने अंदर से स्टेयर का प्रोविजन यहाँ से दिया है। अगर आप देख सक रहे हैं, राउंडेड में दिया है। यहीं पे हमारे किचन है। किचन आप देख पाएंगे तो ईस्ट में किचन है। ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो नॉर्थ फेसिंग है। किचन का बेस्ट प्लेस ईस्ट में होता है, तो हमने ईस्ट में किचन दी है। स्टेयर हमने वेस्ट में दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जहां पे ये लॉबी है, लॉबी से यहाँ पे किचन है, किचन से यहाँ पे विंडो गिवन है, ताकि बाहर का आपको दिखता रहे। उसके बाद दो बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम एक गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे मास्टर बेडरूम आप इसको नॉर्मल बेडरूम में भी यूज कर सकते हैं, गेस्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो दो बेडरूम आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो मास्टर बेडरूम है वो 15 फीट 7 इंचेस 75 इंचेस बाई 12 फीट के अराउंड है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे डोर गिवन है, एक डोर यहाँ पे गिवन है जो कोर्टयार्ड के लिए बाहर जाने के लिए है। सेम गेस्ट रूम में हमने यहाँ पे डोर दिया है। जो ये वाला आपका रूम है 12 फीट 6 इंचेस बाई 12 फीट का है, और इसकी यहाँ की टॉयलेट यहाँ से अटैच किया है हमने, जो 7 फीट बाई 5 फीट के अराउंड है, और इसके लिए हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, ये ओपन कोर्टयार्ड है, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन है यहाँ पे, जहाँ पे ये पोर्च गिवन है। जो यहां से हम एंट्री करते हैं, देखो ये वाली स्टेयर, हम यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां पे हम एंटर करेंगे, तो यहां पे आने के बाद हमारी लॉबी में ही एंट्री होगी। सेम किचन, गेस्ट रूम, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, ओपन कोर्टयार्ड और टॉयलेट हमने एज इट इज, जो नीचे था एज इट इज ऊपर बनाया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिजाइन दिया जो आपके टेरेस के ऊपर डिजाइन है। अगर आप इस डिजाइन को आप 3D में देखते हैं, तो ये वाला डिजाइन यहाँ पे आ जाता है, जो ये वाला डिजाइन हमने बनाया है। तो इस तरीके से आप 3D को डिजाइन कर सकते हैं, और जो आपके फ्रंट का है डिजाइन, ये आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। विंडो के डिजाइन अपने तरीके चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको एज इट इज बनाना है तो आप एज इट इज भी अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन 30 फीट बाई 60 फीट का। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।